सक। चेक बाउंस, चीटिंग केस, शक्ल से तो भोली लगती हो पर कारनामे एक से बढ़कर एक हैं। अब क्या करोगे? जबान संभाल के। अगर तुम अपनी जबान पर टिकी रहती तो मुझे अपनी जबान संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब? मैं तो चेक की बात कर रहा था, तुमने कुछ और समझा। मुझे मेरे वकील से बात करनी है। नंबर 9444-687-123। हेलो सर, मैं सीता बोल रही हूँ। एक सुंदर सुशील अच्छे घर की लड़की। तुम्हारी तो बात ही अलग है। तुम इतनी रात गए पुलिस स्टेशन से मदद मांगने के लिए लोगों को फोन कर रही हो। तुम्हारे प्रेमी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा, एक नजर भर घुमाना। कार के साथ साथ मेरे घर का दरवाजा भी खुला है और मेरे दिल का दरवाजा भी। मेरा कमरा तुम्हारे स्वागत में, तुम्हारी खिदमत में पूरी तरह से सजा हुआ है। फिर भी तुम मुझसे इतनी नाराज हो। चलो सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करें। भाड़ में जाओ। मेरे प्यार की ताकत को तुम जानती नहीं सीता। दुनिया का कोई भी इंसान हमारे प्यार के बीच में आने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब तो बस भगवान ही हमें एक होने से रोक सकता है। अबे सही सलामत है ना? ए, ओ, सीता, तुम यहाँ हो तो तभी तुम मंदिर वापस नहीं आई। हेलो सीता, मेरी जान। ए, कौन है ये लोग? ये लोग मंगलसूत्र के लिए मंदिर में एक दूसरे से मारपीट कर रहे थे, इसलिए ले आया सर। सीता, ये लोग मान ही नहीं रहे हैं, मंगलसूत्र तुम्हारा है। देखो मुझे कितना मारा। नहीं सर, ये शानपट्टी दिखा रहा है, इसने ये मेरी पत्नी के गले से चुराया है। ये झूठ बोल रहा है सर। सीता, ये झूठ बोल रहा है। मुंह बंद करो और वहां बैठ जाओ। सर, आपने देखा, इसने मेरा मंगलसूत्र छीना। केस रजिस्टर करो, सेक्शन 463, 138, 361, 441 और 338, FIR भी फाइल करो। ओके सर। सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। पहले तुम्हें अरेस्ट कर लेता हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। हा? आप सुनिए तो सही सर। लॉकअप में डाल इसे। ए सीता, आजा आजा, तुम कौन से एरिया से हो रहे? ऑनलाइन के ऑफलाइन? एकदम कड़क दिखती है, अंदर आ, बात करनी है। सर देखिए ना कैसी बातें कर रहे हैं, मैं एक डिसेंट फैमिली से हूँ। सीता मैडम, हम भी डिसेंट लोग हैं, फैमिली टाइप। आजकल तुम जैसे डिसेंट फैमिली वाले ही जेल में जाते हैं, देख क्या रहे हो। लॉकअप खोलो। According to Women's Protection Act, Section 46/4 and the Criminal Procedure Code 1973, सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले किसी महिला को गिरफ्तार करके जेल में बंद नहीं कर सकते। कौन है ये? क्या करने आए ये? Hello sir, I'm रघुराम। मेरे अंकल ने कहा था सीता को मेरा ख्याल रखना और मुझे सीता का। ये लोग चोर हैं। ये दिन दहाड़े लोगों को लूटते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं। क्या रे? पुलिस वालों को कानून सिखाएगा? हाँ सर। अगर उसने कोई गंभीर अपराध किया हो फिर भी हम उसे रात को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं ना? कर सकते हैं सर, अगर हालात ऐसे बन जाए कि महिला को गिरफ्तार करना जरूरी हो तो पहले किसी लेडी ऑफिसर को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी। परमिशन मिलते ही अरेस्ट कर सकते हैं। और उस लड़की को लॉकअप में बंद करने के लिए एक महिला पुलिस ऑफिसर का स्टेशन में होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ कोई महिला पुलिस ऑफिसर नहीं है, आप सीता को अरेस्ट नहीं कर सकते और ना ही उन दोनों डिसेंट लड़कियों को ऐसे बंद कर सकते हैं। कानून मत तोड़िए। पता है मैं ये रूल्स तुझसे बेहतर जानता हूँ, लेकिन मैं उनका निवारण नहीं करता हूँ। इस पूरे इलाके में मेरे रूल्स चलते हैं, तू क्या उखाड़ लेगा बे? कानून के हिसाब से। बेटा प्लीज अपना मुंह बंद रख। पुलिस वाले और पॉलिटिशियंस कानून बनाते हैं और तोड़ते भी हैं। सही गलत का फैसला मैं करूंगा, गॉट इट? ये कायदे कानून का पाठ जाके किसी और को पढ़ा क्या समझा, मुझ जैसे को नहीं। ए, तुझे कहा ना केस फाइल करके इसे लॉकअप में डाल। सर, सर सर सर, ये मासूम है, इसकी बातों का बुरा मत मानो और सीता मैडम को छोड़ दो। मुझे इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि ये मासूम है या नहीं है, इसे बोल कानून अपने पास रख। ए, डाल इसे अंदर। सर, सर, चल। सर मेरी बात सुन लीजिए सर। अगर कोई सरकारी अफसर अपनी नौकरी का फायदा उठाकर कानून का दुरुपयोग करता है तो उसकी नौकरी तो हाथ से जाएगी ही, उसके साथ उसे 2 साल की कैद भी हो सकती है और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। ये बंदे में दम ही जस्ट लाइक सिंगम, प्लीज गिव हिम द आंसर। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा।
पहले इसे ठिकाने लगा देता हूं। ऐसे कुछ मत करो सर। मत मारो चक्रम, ये कानून के खिलाफ है। तू चुप करेगा भाई? सर सर देख देख कैसे मेरा मजाक उड़ा रहा है। कट 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 कट। हमें बाहर निकाल दे, दरवाजा खोल। सुनता नहीं क्या? एक लंबी सांस लीजिए, 10 तक गिनिए, कूल हो जाओगे। अरे तू अपना मुंह बंद रखना यार, मैं बात कर रहा हूं ना। हट। अब जुबान खोली ना तो सबके सामने तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। करना मेरा एनकाउंटर, मौत से डरता नहीं है मैं। आज पहली बार किसी को तेरे पे भारी पड़ता देखा मियां। सर हिम्मत है तो मारना मुझे। ये भी कानून के खिलाफ है सर। आइसर जी ने सच चलो मार जाओ। पहले सीता का मामला खत्म कर लेता हूँ, फिर तुम दोनों को आड़े हाथ लूंगा। नो 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 सर सर प्लीज 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 सर प्लीज लीव मी सर, मुझे बात करने दीजिए सर। सर सर प्लीज। सीता अरे साला मेरे को नहीं डर क्या क्या? सीता 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 थोड़ा उसको ऐसा कहो कि जिंदगी भर तेरी धुलाई को भूल ना पाए और जब भी याद करो उसकी पॉइंट गिरी हो जाए। बाप रे, ये अपन लोगों को गलती से मार रहा है या पहले से धोनी का प्लान बना के आया था? ये शरीफ है बेचारा, ये कोई प्लान नहीं बनाएगा। हेलो हेलो सर, सीता को लेने को कोई लड़का आया है और वो एसआई साहब और बाकी पुलिस वालों की धुलाई कर रहा है। रुक बे, चल घुमा पुलिस स्टेशन ले जल्दी। अबे तेज चलाना बे। अबे ये सब इसका प्लान है। ए मंगलसूत्र दे, दे के जान छुड़ाता हूँ। थैंक्स। ऐसा है कहाँ पे? अरे आओ आओ महारथी। इनके गुणगान गा रहे। ये धोतिया बिना साबुन के धोतिया, छटक मटक कटक पटक 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 के धोतिया। भूटान से लेकर हैदराबाद तक सीता का मैंने कहां कहां पीछा नहीं किया ताकि मैं उसके करीब जा सकूं। अपनी सुहागरात की सजावट का सामान लाने के लिए मैं खुद चला गया। इन सारी तैयारियों के बाद तूने क्या किया? उस लौंडे से कुत्ते की तरह मार खाई और वो भी अपने एरिया के अपने पुलिस स्टेशन के अंदर। सर उसने एसआई साहब को बहुत धोया सर। धोबी जैसे कपड़े धोता है वैसे सर। हाँ ला तो। लाल साड़ी महंगी वाली, फूल फॉर द ब्लडी फूल। कांचीपुरम की प्योर सिल्क साड़ी, पूरे 3 लाख की है, एकदम मखमली है। इसे ले और पहन के घूम। तेरी बीवी को मत देना, ये तेरे लिए है। ये वर्दी निकाल दे, इसके लायक नहीं है तू। मैं एक मर्द हूँ सर। अब तक मुझे भी यही गलतफहमी थी।
लेकिन मर तो वो निकला। उस लौंडे को ठोककर सीता को पकड़कर अगर कल सुबह तक आपके पास नहीं लेकर आया तो क्या बे? ये साड़ी पहनकर खुद आ जाऊंगा सर।